बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, हम सब बड़े खुशकिस्मत हैं कि हमारी ज़िंदगी में हमारे आध्यात्मिक पिता परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल पुरुष दर्शन सिंह जी महाराज की दया मेहर हम सब पर रही। उनके प्रेम के खिंचाव के जरिए हम सब अपनी मंजिल की ओर बढ़ पा रहे हैं। ये महापुरुष हम सब के लिए जिए, हम सबको उन्होंने वो दिया जो दुनिया में कोई और हमें दे नहीं सका। रूहानियत का रास्ता, प्रभु को पाने का रास्ता, और फिर उस रास्ते पर हम कैसे चलें ताकि उनकी ज़िंदगी को देखकर हम भी अपनी ज़िंदगी को सुधार पाएं। एक पिता सिर्फ हमें हमारे खाने पीने के लिए, कपड़े पहनने के लिए, दुनिया की चीज़ें हैं उन्हें प्रोवाइड करने के लिए ही नहीं होता, लेकिन कैसे इंसान जिए, किस किस्म की ज़िंदगी उस परिवार के सदस्य की हों, और कैसे हम असलियत की जानकारी पाते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़े, वो सब हमें संत कृपाल सिंह जी महाराज, संत दर्शन सिंह जी महाराज ने दिया। जब भी हमें नाम की देन मिलती है, वही हमारा सही जन्म दिवस है। उस दिन सही मायनों में हम एक नई जिंदगी शुरू करते हैं, वो जिंदगी जो कि हमें अपने मकसद की ओर तेजी से लेके जाती है, वो जिंदगी जिसके बारे में हमारी कोई जानकारी पहले नहीं थी, और उस जिंदगी पाने के लिए इन महापुरुषों का शुक्राना अदा करना हमारी ज़िंदगी में ज़रूर होना चाहिए। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने तो एक जगह फरमाया कि नफस नफस मुझे लाजिम है शुक्र का सदा, कि हर एक सांस में मैं शुक्रिया अपने सदगुरु का करता हूँ कि उनके कारण ही मुझे ये ज़िंदगी मिली, कि हर सांस में, हर पल, हर क्षण, क्योंकि अगर उनका साया हमारे ऊपर ना होता, अगर वो हमारी ज़िंदगी में ना आते, तो हम भी इस दुनिया में भटक रहे होते। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने बहुत कुछ काव्य के जरिए कहा, पोएट्री के जरिए कहा। जब भी उनके लफ्ज़ों को हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो फिर हमारी ज़िंदगी कैसे चलनी चाहिए उसका रास्ता हमारे सामने खुलना शुरू हो जाता है। तो हम सब तो बहुत खुशकिस्मत हैं कि हम हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयाल पुरुष दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों तक पहुँचे, उनकी दया मेहर हम पर हुई, और इन महापुरुषों ने नाम की देन हमें दी ताकि हम अपनी ज़िंदगी के मकसद की ओर बढ़ पाए। जब शिष्य असलियत को पा लेता है तो क्या उसकी अवस्था होती है, अलग अलग स्टेजेस रूहानियत के इस
गजल के जरिए संदर्शन सिंह जी महाराज ने खोले हुए हैं। फरमा रहे हैं कि मिली है जिन्हें कुछ खबर मेरे साकी, मिली है जिन्हें कुछ खबर मेरे साकी, उन्हें बज्म में बेखबर देखते। तो समझा रहे हैं कि जो एक जिज्ञासु एक पूर्ण महापुरुष के पास पहुंचा, सत्संगों में आया, सत्संग सुने, असलियत क्या उसकी जानकारी हुई, उसको सच्चाई क्या है उसकी खबर मिलनी शुरू हुई कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, आत्मा का मिलाप परमात्मा से हो सकता है, परमात्मा कहीं दूर नहीं, आसमान में नहीं बैठे, हम सबके भीतर हैं, प्रभु सिर्फ एक जाति के लिए, एक श्रेणी के लिए ही नहीं आए, हम सब प्रभु को पा सकते हैं। यही बार 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 सत्संगों में हमें समझाया जाता है कि प्रभु को पाने का रास्ता प्रेम का रास्ता है, और प्रेम जिसने किया उसी ने प्रभु की नज़दीकी पाई। तो जब ये खबर हमें मिलती है, जब इसे बार 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 सत्संगों में हम सुनते हैं, तो हमारे अंदर एक बदलाव सा आना शुरू हो जाता है कि मिली है जिन्हें कुछ खबर मेरे साथ ही। कि जैसे थोड़ी बहुत भी खबर मिली कि असलियत है, शरीर के ऊपर हम उठ सकते हैं, अंदर के मंडलों में जा सकते हैं, अंदर के मंडल खुशी से भरपूर हैं, प्रेम से भरपूर हैं, इस यात्रा पर हम में से सब जा सकते हैं, तो जिसे खबर मिली है तो फिर हमारे उन्हें बज्म में बेखबर देते हैं। तो यहाँ संदर्शन सिंह जी महाराज फरमा के जिन्हें कुछ असलियत की जानकारी हुई, उनका ध्यान फिर बाहर की दुनिया से हटके असलियत की ओर रहता है, वो बाहर की दुनिया से बेखबर हो जाते हैं, उन्हें मालूम है कि ये बाहर की दुनिया माया की दुनिया है, वो उस माया की दुनिया में फिर फंसते नहीं, वो उस माया की दुनिया से अलग रहते हैं, उनका ध्यान सिर्फ आत्मिक तरक्की की ओर। तो एक सच्चे शिष्य की जिंदगी ऐसी होनी चाहिए। ये संदर्शन सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि जब हम सत्संग में आते हैं और सत्संगों को सुनते हैं, पाते हैं, तो फिर हमें उस अवस्था में पहुंचना चाहिए क्योंकि हमें सत्संगों में समझाया जाता है कि हम असलियत के साथ जुड़ें, हम रूहानी यात्रा पर जाएं, हम शरीर से ऊपर उठें, हम अंदर के मंडलों में प्रवेश करें, हम अंदर के मंडलों का सुख चैन पाएं, उस वो सुख चैन फिर हमारे साथ हर पल हर क्षण रहेगा, और बाहर की दुनिया की ऊंच नीच का कुछ असर हम पर होगा नहीं। कि बाहर की दुनिया जहाँ हलचल ही हलचल है, जहाँ कोई चीज़ स्टेबल नहीं, स्थायी नहीं, जो हर एक चीज़ टेम्प्ररी है, इस हलचल में इंसान फंस जाता है और उसकी ज़िंदगी में भी हलचल होनी शुरू हो जाती है। तो संदर्शन सिंह जी महाराज हमें यही समझा रहे हैं कि जिन भाई बहनों को कुछ खबर मिल जाती है अंदर की दुनिया की, तो वो बाहर की दुनिया क्या है उसे भूल जाते हैं। आप में से कई लोग जिन्हें संदर्शन सिंह जी महाराज की नज़दीकी मिली होगी, आपने शायद ही अनुभव किया हो कि उनसे बहुत से भाई बहन मिलने आते थे। हर एक किस्म का इंसान, कोई बहुत पढ़े लिखे, बहुत दुनिया में जिन्होंने नाम कमाया, अच्छे अहदे पर हों, और
ऐसे जो कि बहुत एलोक्वेंट और बातचीत बड़ी अच्छी तरीके से करते हैं और जिन्हें पता होगा सोशली कैसे जीना चाहिए। और जब वो संदर्शन सिंह जी महाराज से मिलते थे तो एकदम चुपचाप हो जाते थे, उनके मुंह से कोई लफ्ज भी नहीं निकलता था। क्यों? क्योंकि उनका जो ऑरा था, उनके जो फिजिकल प्रेजेंस थी, उसका असर इतना गहरा हर इंसान पे होता था कि उसका ध्यान पे बाहर की चीज़ों में नहीं रहता था, उसका ध्यान अंदर की ओर जाता था, असलियत की ओर जाता था। कई एग्जांपल्स और भी लाइफ में देखे होंगे कि कोई भाई बहन सत्संग में आया, वो समय था जबकि जोड़े इंसान बाहर उतार के आता था, तो सत्संग में आकर उसकी रुचि असलियत की और इतनी बड़ी, जब वो घर गया वापस तो किसी और के चप्पल पहन के चला गया, क्योंकि उसको कुछ सुध बुध नहीं है बाहर की चीज़ों की। उसका ध्यान प्रेम की ओर है, उसका ध्यान सच्चाई की ओर है, उसका ध्यान अच्छाई की ओर है, और वो उसी प्रेम की मस्ती में जी रहा है और आस पास की किसी भी चीज़ की उसे खबर नहीं। इस किस्म की जिंदगी एक सच्चे शिष्य की होनी चाहिए। जब इंसान को मालूम हो कि असलियत क्या है और फिर वो धोखे की जिंदगी में फंसा रहे तो उसी इंसान की कमजोरी है। अब जिसको मालूम ही नहीं असलियत क्या है, वो तो माया की दुनिया को असली समझता हुए जिंदगी जीता है। लेकिन वो इंसान जिसे मालूम हो जाए कि माया की दुनिया क्या है, इसमें असलियत से हम जुड़ सकते हैं, उस इंसान को फिर अपनी जिंदगी ऐसे जीनी चाहिए जिसमें कि वो असलियत की और बढ़े, जिसमें उसका ध्यान सिर्फ असलियत की ओर हो, और तभी वो अपनी मंजिल तक पहुंच पाएगा। हम असलियत की जिंदगी जिए ताकि हम अपने मकसद को बहुत ही जल्दी पा लें। वो मकसद हम सबसे दूर नहीं, और हम सब अपने मकसद को पा सकते हैं। ये बार 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 हमें ये महापुरुष समझाते चले गए। जो अगला शेर है उसमें संदर्शन सिंह जी महाराज और गहराई में जा रहे हैं। एक शिष्य पहले तो ढूंढता 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 किसी पूर्ण महापुरुष की शरण में पहुंचता, फिर सत्संग में पहुंचता, उसको सच्चाई सुनाई देती है। एक सच्ची सच्ची जिंदगी उसे जीनी चाहिए, उसको समझ में आता है, फिर उसे और नज़दीकी मिलती है। जैसे सत्संग में आता है उसे अपने सदगुरु की और नज़दीकी मिलती है, और फिर उसके साथ क्या होता है ये संदर्शन सिंह जी महाराज ने शेर में समझाया है। ये भी समझाया है कि किस किस्म की जिंदगी हमें जीनी चाहिए, क्योंकि जब हम सत्संगों में आते हैं तो वहाँ पर अलग अलग किस्म के लोग हमें दिखाई देते हैं। सत्संगों में हर एक अलग जाति के लोग, अलग अलग रिलीजन्स के लोग, अलग अलग सोशल स्टेटसेस के लोग, तरह तरह के लोग, कोई अपने देश के, कोई किसी और देश के, तो अलग अलग लोग जो हमें दिखते हैं, तो उससे इंसान को क्या असर होता है और कैसी जिंदगी हमें जीनी चाहिए, ये संदर्शन सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं। वो फरमाते कि जिन्हें अहले जुनून का है सौदा ए मंजर, कि जिन्हें वो जुनून की अवस्था जिसमें इंसान मस्त होता है, जिसमें खुशी से मस्त होता है, जो प्रभु को पाने की मस्ती है, कि जिनको वो मंजिल चाहिए,
जिसमें वो हर समय मस्ती में हो, आनंद की अवस्था में हो। वो अवस्था वो है जिसमें कि आत्मा का मिलाप परमात्मा में होता है। वो मंजिल वो है जिसमें कि हम फिर 84 लाख जिया जो उनसे निकल सकते हैं। तो फरमा रहे हैं कि जिन अहले जुनू को है सौदा है मंजिल, जो मंजिल को पाना चाहते हैं वो रहरो नहीं रह गुजर देखते हैं। कि वो इंसान फिर ये नहीं देख रहा कि मेरे साथ चल कौन रहा है, क्योंकि हम में से बहुत से लोग करते हैं। हम जो सत्संगों में आते हैं हम इधर भी देखते हैं उधर भी देखते हैं, देखते हैं ये इंसान कैसा है वो इंसान कैसा है। जैसे जैसे और नज़दीकी मिलती है तो दो किस्म की प्रॉब्लम्स हैं जो कि शिष्य के जिंदगी में आने शुरू हो जाती है। जैसे जैसे उसको और नज़दीकी मिलती है तो सबसे पहले तो इंसान को लगता है कि मुझे अपने सदगुरु की कितनी तवज्जो मिल रही है। जैसे जैसे इंसान सत्संगों में आता है और समय के साथ अगर हम देखें तो जितने लोग सत्संगों में आते हैं वो बढ़ते चले जाते हैं। आप में से बहुत से भाई बहन जो संत कृपाल सिंह जी महाराज के सत्संगों में आते होंगे और फिर संत दर्शन सिंह जी महाराज के सत्संगों में आते होंगे, देखेंगे समय के साथ जो लोग सत्संगों में आते हैं उनका नंबर बढ़ता चला जा रहा है। तो वो भाई बहन जब उस समय जबकि जैसे लोग थोड़े कम हैं, जब लोग कम हैं तो फिजिकली उनको अटेंशन उनको लगता है ज़्यादा मिलती थी, उनकी शायद बात भी अपने सदगुरु से बातचीत ज़्यादा होती होगी। और फिर समय के साथ जैसे 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 लोग बढ़ते चले जाते हैं तो उनको कई बार लगना शुरू हो जाता है कि शायद हमें अब अटेंशन कम मिल रही है, कि शायद किसी और को ज़्यादा मिल रही है। फिर हम देखते हैं कि हमारे सदगुरु का ध्यान हमारी ओर कितनी देर है और औरों की ओर कितनी देर है। और हम वही सोचते हैं कि हमारी ओर ज़्यादा क्यों नहीं है, किसी और की ओर ज़्यादा क्यों है। उस अंदर से जो मन है वो हमें एक चक्कर में डालना शुरू कर देता है। किसी ने ये सवाल संत कृपाल सिंह जी महाराज से पूछा तो संत कृपाल सिंह जी महाराज ने हंस के बताया कि कई लोग होते हैं जो इमरजेंसी केसेस होते हैं, तो जब इमरजेंसी होती है तो डॉक्टर को टेंशन ज़्यादा देनी पड़ती है उस इंसान की ज़िंदगी बचाने के लिए। और संत कृपाल सिंह जी महाराज ने प्यार से यही समझाया कि एक पूर्ण महापुरुष की तवज्जो हम सब पर हर पल हर क्षण रहती है। ये हम हैं क्योंकि हम मन माया के दायरे में अभी भी फंसे हुए हैं कि हमें लगता है शायद कि हमें कुछ कम मिल रहा है और औरों को कुछ ज़्यादा मिल रहा है। उनकी ओर से हम सबके लिए प्रभु के प्रेम के भंडार खुले हुए हैं, वो जो जो हमें चाहिए वो हमें देते हैं। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने इसे और खोल के समझाया। उन्होंने कहा कि हम सब अलग अलग स्टेजेस पर हैं अपनी आध्यात्मिक यात्रा को पूरा करने के लिए। अगर यात्रा यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ ख़त्म होनी है तो कोई यहाँ है कोई यहाँ है कोई यहाँ है कोई यहाँ है कोई यहाँ है, और हो सकता है जो यहाँ है बंदा इसको धक्का ज़्यादा देना पड़े ताकि यहाँ पहुँच जाए, और जो यहाँ है इसको खाली टच करो तो पहुँच जाएगा। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हम इंसान अपने मन के दायरे में जीते हुए इंद्रियों के घाट पर जीते हुए समझ नहीं पा सकते। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज ये फरमा रहे हैं कि जिन अहले जुनू को है सौदा है मंजर, कि वो जीव जो कि अपनी मंजिल को पाना चाहता है
वो रह रो नहीं रह गुजर देखते, तो उनका ध्यान आसपास नहीं होना चाहिए, उनका ध्यान रास्ते पर होना चाहिए कि संतमत का रास्ता है, इस सच्चाई का रास्ता है, इस पर हम सही तरीके से चलें। हम सब जब इस धरती पर आते हैं तो हम अपनी खामियों को हटाने के लिए आते हैं, इसीलिए हमें आत्मनिरीक्षण की डायरी दी गई है। हम रोजाना अपनी जांच पड़ताल करें, अपने आप को बेहतर करें, ये ना सोचे कि वो इंसान बेहतर क्यों नहीं है, हम देखें कि हम क्या कर रहे हैं। इंसान की यही कुछ अंदर से कोशिश, औरों की ओर देखे कहता है ये भी ठीक करो, वो भी ठीक करो, वो भी ठीक करो, ये नहीं देखता कि आप में सर उससे और ज्यादा गलतियां हों। तो इसीलिए संत कृपाल सिंह जी महाराज जो बहुत स्ट्रिक्ट थे, वो कहा करते थे माइंड योर ओन बिजनेस, कि आप अपने आप का फायदा कराओ, अपने आप के बारे में सोचो, औरों की जिंदगी क्या उस और ध्यान ना दो। यही यहां संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि वो रह रो नहीं रह गुजर देखते हैं, कि जिनको प्रेम है, प्रभु से प्रेम है, जिन्हें अपने सदगुरु से प्रेम है, जो अपनी मंजिल को पाना चाहते हैं, जो प्रभु से एक में होना चाहते हैं, वो ये नहीं देखते कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं, वो देखते हैं कि रास्ता क्या है, रास्ते पर हमने चलना है। जैसे कि जब घोड़ों की रेस होती है उनको ब्लाइंडर्स दिए जाते हैं ताकि वो अपनी लेन तक ही देखें, ये ना देखें दूसरा घोड़ा आगे है कि पीछे है, ताकि जिस लेन में उन्होंने भागना उस पर चलें। वैसे ही महापुरुष हमें समझाते हैं कि अगर हमने अपनी मंजिल तक पहुंचना है तो हमें अपना ध्यान रास्ते के ऊपर करना है, इस ओर नहीं करना कि आसपास कौन है। जो रास्ते पर चलता है अपने, वो फर्स्ट आएगा, वो किसी को फॉलो नहीं कर रहा। जो आदमी अपना चली जा रहा है उसको रास्ता पता है, वो खुद फर्स्ट आएगा। जो किसी और को फॉलो कर रहा है वो तो पीछे ही आएगा, क्योंकि उसके आगे कोई और है जिसको वो देख रहा है और फॉलो कर रहा है। तो बार 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 महापुरुष यही समझाते चले जा रहे हैं कि हमें अपनी जिंदगी में वो करना है जिसके जरिए हम अपने आप को अपने सही रास्ते पर ध्यान देते हुए आगे कदम बढ़ाते चले जाएं। अगर हमने इधर देखा उधर देखा तो हम लड़खड़ा जाएंगे, और मन की तो यही कोशिश होगी कि हम इस चीज़ में उलझ जाएं, उस चीज़ में उलझ जाएं, ताकि हम अपनी मंजिल तक पहुंच ना सकें। इसलिए संत दर्शन सिंह जी महाराज ने जो और फरमाया, ये फारसी में उन्होंने लिखा था और उसका इंग्लिश का जो ट्रांसलेशन है वो है कि आई हैव नो फ्रेंड एक्सेप्ट माई बिलावड, आई हैव नो वर्क एक्सेप्ट योर लव, कि इस दुनिया में मेरा अपने सदगुरु के सिवाय कोई दोस्त नहीं और उन्हें प्रेम करने के सिवाय मेरा कोई काम नहीं। कि एक सच्चे शिष्य का ध्यान सिर्फ अपने सदगुरु में होता है और जो रास्ता उन्होंने दिखाया है उस रास्ते पर चलने में होता है, और जो ऐसा कर पाते हैं वो अपनी मंजिल तक बहुत ही जल्दी पहुंचेंगे। ये बार 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 महापुरुष हमें समझाते चले हैं। जब हम देखते हैं कि और शायद उतने ठीक नहीं जितना होना चाहिए, तो इंसान के अंदर नेगेटिविटी बढ़ती चली जाती है। हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज ने संत कृपाल सिंह जी महाराज को चिट्ठी में लिखा था कि अगर वो लोग जो अपनी बुराई को छोड़ते नहीं, चीज़ें बुरी करते रहते हैं, अगर हम उनकी ओर ही देखेंगे तो हम लोग जो अच्छाई करते हैं हम फिर अच्छे काम करने छोड़ देंगे। हम जो अच्छाई करते हैं हमें अच्छी चीज़ें करते रहना है, और अच्छाई क्या है कि हम सच्ची सुच्ची ज़िंदगी बनाएं, हम ऐसी ज़िंदगी बनाएं ताकि हम अपनी मंजिल तक पहुँचें, हम एक सच्चे सुच्चे इंसान बने। एक अच्छा इंसान तो बने लेकिन एक सच्चा इंसान बने, अपने अंदर सद्गुण तो हों लेकिन उसके साथ साथ हम अभ्यास करें, शरीर से ऊपर उठें ताकि अपनी मंजिल तक हम बढ़ते चले जाएं। तो इस किस्म की जिंदगी हमें
जीनी है। और इस गजल का जो आखिरी शेर है वो एक और स्टेट, एक सच्चे शिष्य की हमें समझा रहा है। संदर्शन सिंह जी महाराज यहां फरमा रहे हैं कि अजब हाल है तेरे दर्शन का मुर्शिद, अजब हाल है तेरे दर्शन का मुर्शिद, हमेशा उसे चश्मे तर देखते हैं। कह रहे हैं कि जो आपको चाहने वाले हैं, जो आपके सच्चे शिष्य हैं, उनका अजीब सा हाल है कि उनकी आंखों से आंसू टपकते रहते हैं। अब आंसू टपकना जनरली सोचा जाता है कि इंसान तकलीफ में है, लेकिन यहाँ ये शुक्राने के आंसू हैं कि सच्चे शिष्य हर समय शुक्राने की अवस्था में रहता है। पहले तो पिता परमेश्वर का शुक्राना कि हमें ये मानव चोला मिला, फिर अपने सद्गुरु का शुक्राना कि हमें नाम की देन मिली, और फिर जैसे जैसे उसकी जिंदगी गुजरती है और उसे अपने सद्गुरु का हाथ उसे संभालता हुआ दिखाई देता है, तो वो शुक्राना के पल पल हमारे सद्गुरु हमारे अंग संग है, हमारी मदद कर रहे हैं। शुक्राना अपने सद्गुरु की याद का, शुक्राना अपने सद्गुरु से एकमेक होने का, शुक्राना अपने सद्गुरु से जो भी एक्सपीरियंस है उनको याद करने का, शुक्राना के हम उनकी नज़दीकी पाए। तो एक सच्चे शिष्य के अंदर शुक्राने के भाव हर समय उभरते रहते हैं, और उन्हीं शुक्रानों के भाव में उसी अपने सद्गुरु की प्रेम की याद में उनकी आंखों से आंसू टपकते। हम अपने सद्गुरु हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज की जिंदगी की ओर देखें, उनसे हम एक मेक हों। इन महापुरुषों ने हमें नाम की देन दी है, हम कमाई करें, बाकायदगी से भजन अभ्यास करें, ये हमें समझा गए हैं कि कैसी जिंदगी हमारी होनी चाहिए, उस किस्म की हम अपनी जिंदगी बनाएं, और जैसी वो जिंदगी हमें दे गए हैं उसको जिंदगी में ढालते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ते चले जाएं। ये महापुरुष हमें बाहर की जिंदगी नहीं अंदरूनी जिंदगी जीने को समझा गए हैं कि इस बाहर की दुनिया में रहते हुए हम अंदर की दुनिया तक पहुंच सकते हैं, कि पिता परमेश्वर को हम सब पा सकते हैं, वो हमसे दूर नहीं, हमें सिर्फ अंदर की दुनिया में बढ़ना है, रोजाना बढ़ना है, बाकायदगी से बढ़ना है, समय रोजाना निकालना है भजन अभ्यास के लिए, एक सच्चा सुच्चा इंसान बनने के साथ साथ हमें भजन अभ्यास करना है, ताकि हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ें और अंदरूनी रास्ते पर तरक्की करें। तो थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाइएगा, आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा, जो आंखों के डेले आईबॉल से सीधे सामने होने चाहिए, जैसे आप 8-10 इंच सामने फोकस हों। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली आप सिमरन कीजिएगा, जो भाई बहन नए हैं आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा, जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। मेरी हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज कि चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर है महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन कराएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव आउट।